हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो अभी है शाम के 6 बज रहे होंगे आई थिंक, और आज हम जा रहे हैं, सबसे पहले हमें बाहर की बहुत सारी चीज़ें जो है करनी है। सबसे पहले हम जा रहे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि कुछ जो है टेस्ट करवाया हमने मिश्रा जी की तबीयत। मैंने लास्ट ब्लॉग में बताया था ना, जन्माष्टमी वाले दिन की तबीयत ठीक नहीं थी, तो उस वजह से आज हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना है क्या है क्या सब, जो भी है हम आपको अपडेट जरूर करेंगे, बताएंगे बाद में। एंड उसके बाद फिर हमें जाना है, ग्रॉसरी आइटम जो है कुछ लेना है, क्योंकि आपको पता है जो गणेश चौथ है उसकी पूजा जो है वो आने वाली है, तो उसकी भी तैयारियाँ करनी है। और हमारे इधर बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट करते हैं इसको, जिसको हम लोग चौरचन बोलते हैं, तो वो सभी करना है उसकी सारी चीज़ें, क्योंकि फिर बाद में छुट्टी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। एंड आज है संडे, सकल में मत जाना इस इंसान के कि ऐसे हंसता खेलता हो सकल, लेकिन अंदर से मतलब थोड़े से हैं परेशान, बीमार है। नहीं ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़ा सा तो इंसान के फेस पे आ जाता है ना वो चीज की, हाँ ऐसा कुछ है। मिश्रा सिर्फ टेंशन देते हैं, टेंशन देने का लेने का नहीं। क्या बाबू? टेंशन सिर्फ देने का लेने का नहीं। लेकिन जब वो पेन होता है ना, तो इतना मतलब गंदा पेन होता है कि मेरे को देख के ऐसा लगता है कि बाप रे कितना गंदा पेन है। एंड बाद में बताऊंगी मैं, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी सब कुछ कि क्या है क्या नहीं। अभी बस हम जा रहे हैं डॉक्टर्स को जो है रिपोर्ट दिखाने के लिए, एंड मेडिसिन वगैरह जो वो प्रेफर करेंगे वो सारी चीज़ें लेने के लिए। तो हम घर से निकल चुके हैं एंड दो तीन जगह जाना है। एंड आज मुझे मम्मी, मतलब मैं मम्मी से तो बहुत दिनों से मिल ही रही हूँ, मिश्रा जी नहीं गए अभी तक मिलने के लिए। एक बैड न्यूज़ ये भी है कि मेरी मम्मी की जो है तबीयत ख़राब है, क्योंकि वो गाँव गई हुई थी एंड ऐसा उनका पैर स्लिप हुआ कि उनकी जो कमर की जो हड्डी है ना, मतलब वो दब गया है मांस में, इसमें से वो बेड रेस्ट पे है, नहीं उठ पा रही है ना बैठ पा रही है। तो हमें मम्मी के घर भी जाना है मम्मी को देखने। दो तीन दिन से मैं जा रही थी लेकिन मैंने आपको नहीं बताया था। एंड आज हम सोच रहे हैं कि यहाँ से काम ख़त्म करके फिर जो है हम मम्मी को भी देखने जाएंगे। तो आज बहुत सारी जगह जानी है, दो बैड न्यूज़ तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो हो जाता है हो जाता है, अपनी चलती रहती है लाइफ। करो बस आप लोग प्रे करो कि जल्दी से मेरी मम्मी ठीक हो जाए एंड मिश्रा जी भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। ऑल इज वेल। उतर चुके हैं अभी और सबसे पहले हम जा रहे हैं हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला जो डॉक्टर हैं वो आज आए नहीं थे, मतलब आएंगे वो लेट आएंगे, तो फिर तब हम बाहर निकल गए। एंड मिश्रा जी यहाँ पे डॉक्टर से ही बात कर रहे थे, एंड जिस तरीके से उन्होंने बताया कि ये ट्रीटमेंट है आपको करवाना पड़ेगा, क्योंकि हम घर से निकले थे, हमने कोई प्लानिंग नहीं की थी कि ऐसा कोई हॉस्पिटल में जाके हमें ट्रीटमेंट के बारे में बता दिया जाएगा। हमने सोचा था कि सिंपल नॉर्मली हम डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, जो रिपोर्ट आया है जो टेस्ट करवाया है हमने वो रिपोर्ट चेक वेक करवा के एंड घर जो है वापस आ जाएंगे। एंड साथ के साथ मैंने बताया था कि बहुत सारी चीज़ें आज करनी थी, जैसे ग्रॉसरी आइटम लेना था, सब्जियाँ भी जो है घर में ख़त्म हो रखी थी तो वो भी लेना था, क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता और आज है संडे, तो इस वजह से मैंने सोचा चलो ये सारी चीज़ें जो हैं करवा लेंगे। और यहाँ पे हम बस वही बात कर रहे हैं जो डॉक्टर ने मिश्रा को बोला है, वही चीज़ वो कंसल्ट कर रहे थे, हम लोग बातें कर रहे थे कि क्या करना है, क्या डिसीजन लेना चाहिए क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। कभी कभी लाइफ का आपको पता नहीं चलता है, आप जो सोचते हो ना वो कभी नहीं होता, और बिना सोचे समझे कुछ ना कुछ होता रहता है। एंड एक चीज़ ये भी चीज़ें हैं कि पता नहीं, बोलते हैं ना कि किसी की नज़र लग जाती है क्या हो जाता है, पता ही नहीं चलता है, मतलब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है फिर एकदम से आपके जो तकलीफ़ें हैं जो बीमारियां हैं दुख हैं वो एकदम से ऐसे थप्पा मारती है ना कि आपकी जो लाइफ है बिल्कुल चेंज हो जाती है। तो सेम चीज़ें हमारे साथ भी हुआ है।
वजन होता पानी तो वो दे दो पापा को ये हल्का दे दो चले ले लिया और कुछ नहीं लेंगे बहुत गर्मी पसीना पसीना हो वो भी 20 कप प्याज कैसे बहुत बढ़िया आलू 400 तो अब हम जा रहे हैं बीकेडी एंड बीकेडी जाने से पहले एक छोटा सा काउंटर है जहाँ पे जो ये मोमोज वगैरह मिलते हैं एंड मेरे को बहुत तेज़ की भूख लग गई थी और शुगू भी काफ़ी देर से बोल रही थी क्योंकि हम काफ़ी पहले के घर से निकले हुए तो हमने बस यहाँ पे हाफ प्लेट मोमोज जो है मंगवाए क्योंकि मैं मिश्रा जी को बिल्कुल भी नहीं खाने देने वाली हूँ एंड उन्होंने बोला था कोई बात नहीं खा लो लेकिन आधा तो उन्होंने टेस्ट कर ही लिया कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है एंड मैं हंस रही थी कि यहाँ पे जैसे खाना खाने वाला जो पत्थर होता है उसमें दिया था यहाँ पे तो बस मैं हंस रही थी एंड उन्होंने आधा जो है टेस्ट कर ही लिया मैं बाद में बोल रही थी इसी कारण मैं जो है नहीं खाती हूँ नहीं क्यों बोलोगे विकेट में था हाँ जी तो हमने ग्रोसरी आइटम ले ली और इतना टाइम लग गया हमें ग्रोसरी आइटम लेते लेते इतनी ज्यादा भीड़ थी ना संडे वाले दिन ऐसे लगते लोगों को पता नहीं क्या ही फ्री बात है बाकी ऐसा होता ना कि जैसे हम लोग फ्री होते इस दिन तो ये बाकी लोग भी फ्री होते होंगे इस वजह से एंड अगेन हम दोबारा जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि उस टाइम डॉक्टर जो थे नहीं थे तो दोबारा उन्होंने बुलाया कि हम आ चुके हैं तो कंसल्ट कर लीजिए तो दोबारा हम जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ और रात के 8 बज गए अभी तक खाना भी बनाना है घर पे जाके एंड इन लॉज भी आए हुए हैं पीहू के दादू दादी सब हैं दादी दादा और हमने सोचा कि चलो घर जाने से पहले हम हॉस्पिटल में डॉक्टर से पहले मिल लेते क्योंकि दिमाग में ना बहुत सारी चीज़ें चल रही थी एंड रिपोर्ट दिखवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था मुझे इस वजह से तो यहाँ पे बस हम वेट कर रहे हैं डॉक्टर आ चुके थे लेकिन वो शायद किसी और पेशेंट के साथ थे तो उन्होंने बोला था कि मैं कॉल जो है कर दूंगा तब आप आना एंड हम लोग बस यहाँ पे वेट कर रहे थे तो हम आ चुके हॉस्पिटल में एंड अभी वेट कर रहे हैं घर में अभी तक नहीं गई हूँ घर पे जाके इतना सारा काम है खाना वाना सब कुछ बनाना पड़ेगा एंड हम बस वेट कर रहे हैं कि जल्दी से डॉक्टर जो आए उसके बाद हम कंसल्ट करेंगे डॉक्टर से हमने मिल लिया डॉक्टर ने बोला कि आज ही जो है अपना आप ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दो अभी से स्टार्ट कर दो तो बस वही उन्होंने कुछ मेडिसिन वगैरह दिया था तो उस वजह से हम आ गए थे यहाँ पे लेने के लिए एंड घर से जब हम निकले थे तो हमारा ऐसा कुछ मतलब हमें लगे ना था कि आज कुछ ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा या आज ही बोलेंगे डॉक्टर हमें बस ऐसा था कि हम जाएंगे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे एंड वो हमें मेडिसिन वगैरह दे देंगे फिर इनको लगाया एक इंजेक्शन लगाया एंड उन्होंने बोला कि 45 मिनट के बाद जो है हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे तब तक आप घर जा सकते हैं तो हम घर आए फिर उसके बाद शुगु को घर पे छोड़ा जो सामान लेके आए थे वो घर पे छोड़ा उसके बाद दोबारा हम जो है 9 बज रहे थे अभी एंड अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल क्योंकि अभी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा एंड हॉस्पिटल जाने के बाद जो भी चीज़ें होती है यहाँ पे चल रही है मैंने कुछ कुछ बस क्लिप ऐड किया है क्योंकि अब प्रॉपर मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती थी हॉस्पिटल था ऊपर से हम इमरजेंसी वार्ड में थे तो इस वजह से और यहाँ पे इनकी जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गई है तो एक्चुअली मिश्रा जी को हो गया है स्टोन एंड जो स्टोन है उसको निकालने के लिए उनके पास दो ही ऑप्शन है या तो आप OT करवाओ ऑपरेशन करवाओ या तो आप इसे फ्लू ट्रीटमेंट से हटाओ तो उसी की वजह से यहाँ पे जो इनकी ट्रीटमेंट है स्टार्ट हो गई उन्होंने बोला था नॉर्मल है कुछ नहीं होगा सिर्फ आपका जो है ये जो भी दवाई मेडिसिन वगैरह ग्लूकोज के थ्रू जा रहा है वो जाएगा जो कि बहुत हैवी फ्लो में जा रहा था नॉर्मली अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो बिल्कुल स्लो में जाता है लेकिन बहुत हैवी फ्लो में जा रहा था ये मैं अभी आई हूँ हॉस्पिटल एंड एडमिट किया है इनको पानी वानी जो है चढ़ा रहे हैं बाकी जो भी होता है बताऊँगी मैं आपको यहाँ पे तेज़ बोल भी नहीं सकते क्योंकि हॉस्पिटल है एंड हम लोग हैं इमरजेंसी रूम में इस वजह से
आज का जो एक्सपीरियंस था बहुत ख़राब था। मतलब जब ट्रीटमेंट चल रही थी, जब वो पानी वानी जा रहा था बॉडी में, तो इनको कुछ मतलब उतना इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन जैसे ही वो ख़त्म हुआ उसका, उसके बाद इनकी पल्स रेट इतनी भाग गई ऊपर से, इनका जो बीपी है लो हो गया, वही डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं। एंड मतलब इनको वॉमिट, चक्कर वक्कर आना, सब कुछ हो गया, ठंड लगने लग गया। क्योंकि जब उन्होंने डॉक्टर से फिर मैंने जब पूछा तो उन्होंने बोला कि ये साइड इफेक्ट है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें जो है बॉडी में गई है एक साथ। Early the next morning. और अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग, और यहाँ पे मैंने इनको हल्का सा थोड़ा सा मतलब चाय दिया था और ये ब्राउन ब्रेड दिया था सेक के। रात में हम 1:30 बजे घर आए थे, गए तो थे खुद ड्राइव करके, लेकिन आते टाइम इनकी हालत नहीं थी ड्राइव करने की, तो फिर मैंने भाई को फ़ोन किया एंड मेरे दोनों भाई गए। उसके बाद भैया इनको लेके आए थे एंड यहाँ पे ये 1:30-2 बजे का टाइम है, और आप लोग देख सकते हैं फेस जो है कैसा हो गया है सोख के। और ये शाम का टाइम है, मतलब मैं आज कोशिश कर रही थी नेक्स्ट डे कि मैं ब्लॉगिंग करूं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि जब आपके पास एक पेशेंट हो तो उसमें बहुत सारी मतलब टाइम ऐसे बीत जाता है पता नहीं चलता है। ऊपर से हम रात के थके हारे थे सब जने, पूरी रात मतलब 1:30-2 बजे हम घर पे आए, और रात में इनको इतना ज़्यादा फीवर हो गया था, क्योंकि इतनी सारी जो वाटर गया है ना बॉडी में, तो उसकी वजह से वो इतने सारे इंजेक्शन गए थे, उसकी वजह से हो गया था इनको साइड इफेक्ट। और उन्होंने डॉक्टर ने बोला था कि नॉर्मली इनको थोड़ा सा ऐसे होगा कि इनको चक्कर रहेंगे, वॉमिट जैसा मन करेगा, फीवर आएगा, तो उस वजह से हॉस्पिटल में मैंने आपको बस थोड़े थोड़े क्लिप दिखाए, लेकिन वो जो 2.5-3 घंटे का जो टाइम था ना, इतना खतरनाक था, इतना गंदा था। उसके एक्सपीरियंस के बारे में बात करूंगी बाद में। एंड बहुत मतलब गंदा था इनका, इनकी जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, चल नहीं पा रहे थे एंड वॉमिट आ रहा था बार बार, इनको टॉयलेट के लिए जाना पड़ रहा था, क्योंकि मेडिसिन ही ऐसा दिया गया था ताकि इनका जो फ्लो है यूरिन उसका बढ़े, एंड उसके थ्रू जो इनकी स्टोन है जो यूरिन की पाइपलाइन में फंस चुका है वो निकल जाए। बस मैं ये बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप लोग प्रे करो कि जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि औरत जो है ना खुद अपना बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन बच्चे को और उसके पति को कुछ हो जाए तो बर्दाश्त नहीं होता है। पूरा दिन आज ऐसे ही गया इनके पीछे, एंड मैं कोशिश कर रही थी कि मैं आप लोगों से बात करूं, आपको बताऊं कि क्या है क्या नहीं है। बाकी सारी चीज़ें ट्रीटमेंट जो है इनकी चली रही है, एंड देखते हैं, बस जल्दी से भगवान से बस यही प्रे करूंगी कि जल्दी से ठीक हो जाए एंड सब कुछ नॉर्मल हो। जब हम घर से निकले थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था कि ऐसा इतनी सारी चीज़ें हमारे साथ हो जाएंगी।